हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग सुबह सुबह की हॉर्स राइडिंग, सबसे पहले लक्ष्मी की राइड, और जैसे कि सबसे पहली क्लास रियाना की, और सुबह सुबह की क्लास है। सबसे पहले हमने थोड़ी देर मेहर को आज काम दिया, उसके बाद जैसे कि आज लक्ष्मी को हम राइड पे वापस चालू कर दिया है। कल की जैसे हमारी रायता हिल्स की राइड रही, उसके बाद का अभी जैसे अब मेरे वापस रेगुलर जो बच्चों की क्लासें हैं वो स्टार्ट हो गई है। इसके बाद आज शायद नालबंदी करने वाले आ रहे हैं, तो उसकी तैयारी भी हम आगे की कर रहे हैं। सुबह सुबह की दोस्तों अच्छी खासी धूप निकली है, तो इसमें एक काम मैं ये कर लेता हूँ बेस्ट, अभी जो हमारे स्टेबल की सेडल्स और ये है इनको धूप में रख देते हैं, जिससे क्या है कि थोड़ा सा सुबह सुबह में जो धूप है वो अच्छी हो जाएगी। इसके बाद आते दिनों में इन सेडलों को ऑयलिंग कर देंगे, क्योंकि बारिश में इनकी हालत बड़ी ख़राब हो गई है। तो यही काम है सुबह में कि सबसे पहले इनको धूप में रख देते हैं, ताकि एसेसरीज सारी सेफ्ट रहे हमारी। और ये गिर भी गई रखने के चक्कर में। सबको इंडिविजुअल सुखा देते हैं, ताकि कंप्लीटली हमारी सेडल भी कंप्लीट रहे। सदैव की नाले भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, एक पैर की तो बिल्कुल निकल ही गई है। ये भी देख रहा है कि क्या करने आए हैं। इसकी नाल तो आप जैसे देख रहे हैं, लगभग हर महीने में 30 से 35 दिन में मैं अपने घोड़ों की नालबंदी करवाता हूँ। अभी जैसे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा और मैं उठा के आपको दिखाता हूँ। उड़ा ये जैसे कि पूरे सुम टूटे हैं, और ये वाली नाल भी बिल्कुल बिगड़ सी गई है, ये गेप आ गई है जो आप देख रहे हैं। इसको कम्प्लीटली अभी मैं सही करवा दूंगा। एक और प्लान है आज मेरा कि लेला के भी मैं आज नालबंदी करा दूंगा। मेरे को नहीं पता इसकी पहले हो रखी है कभी, उन्होंने करवाई है नहीं करवाई है पहले ओनर ने। और इसी के साथ आज मेयर की भी मैं नालबंदी करूंगा। आकाश भाई भी आ गए हैं अब नालबंदी करने के लिए। सबसे पहले सदैव का नंबर, हमारे स्टेबल का मेन हीरो, क्योंकि अब स्टेबल में जैसे कि सदैव रिकवर भी कर गया है, और अब इसकी वापस प्रैक्टिस भी चालू कर देंगे हम रेगुलर। आकाश जी की नालबंदी काफ़ी अच्छी है, मैं अभी रिसेंटली 4 महीने से आकाश जी की नालबंदी यूज़ कर रहा हूँ, और काफ़ी शार्प है इनकी नालबंदी और अच्छी है। नालबंदी मेरे घोड़ों के लिए ज़रूरी, इसलिए रोज़ घोड़े चलते भी हैं। उसके बाद आज सदैव को नए जूते पहनते ही सदैव का भी आज काफ़ी अच्छा मन हुआ रनिंग करने का। और छोड़ी से आप देख रहे हैं तो इसके लिए ब्रिडल भी लगी हुई है। वह ऐसा था कि इसकी लगाम अहमद से हाथ से निकल गई थी, और फिर ये जाते ही नालबंदी करवाते ही भागने लग गया। उसके बाद हमारी स्टेबल की लेला की भी आज हमने पहली बार नालबंदी करवाई है, सब सूम साफ करवा के। उसके बाद इसको भी हमने बेडक में आराम से घूमने के लिए छोड़ा, और ये भी इसके मस्त एटीट्यूड में अच्छी खासी घूमी। और नालबंदी करने के बाद थोड़ा सा घोड़ों को चेक कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कंफर्टेबल है या नहीं है। उसके बाद आज पहली बार मेहर का भी नंबर आया नाल लगवाने का, अच्छे से सूम इसकी भी सूम की कटिंग करवा के फिर मैंने इसको चेक किया कि इसकी भी नाल की और उसकी नाल लगी है, उसके बाद इसकी पैरों की पोजिशन सही है या नहीं है वो देखना भी ज़रूरी है। क्योंकि नालबंद जैसे आपके यहाँ पे है तो उसी टाइम कुछ भी आपको लगे तो वो चेंजेस आप उसी टाइम करवा सकते हैं। उसके बाद आराम से हमारी नालबंदी कंप्लीट। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में दोस्तों। थैंक यू।